हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मोटी वाली सेवइयाँ, जो एकदम नए तरीके से खाने में लगती हैं, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर दूध। तो ये उबला हुआ दूध है, ठीक है। तो ये मैं कस्टर्ड के साथ बनाने वाली हूँ। तो आप इसे ये कभी भी बना सकते हैं, इफ्तियारी में बना सकते हैं, पहले से बना के रख लें और एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल इफ्तियारी में खा सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, तो इसे हम रख देंगे उबलने के लिए। तो ये पहले से ही उबला हुआ है, मगर इसे हम फ्रिज का दूध है ये, तो हम दोबारा से इसे उबलने रख देते हैं। और क्या क्या हम इसमें डालेंगे तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने गैस पर रख दिया, इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो चीनी अपने हिसाब से डाल लें इसमें। तो ये थोड़ा ठंडा दूध हमने ये निकाल लिया था, अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे। तो 2 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर घोल कर रख देते हैं, ठीक है। दूध को हमने उबलने रख दिया है चीनी डालकर, और इसको हम घोल कर अलग रख देते हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप भी बनाइएगा ज़रूर, आप ईद पर भी इसे बनाएंगे ना, तो बहुत ही अलग ही तरीके की ये बनने वाली हैं और बहुत ही टेस्टी। तो ये मैंने मोटी वाली थोड़ी सी सेवई ले ली है, ये देख सकते हैं आप, मोटी वाली सेवई है ये। तो यहाँ मैंने ये ले लिया है तुक मलंगा, इसे चिया सीड भी बोलते हैं। तो ये ले लिया है और थोड़ी सी मोटी वाली सेवई ले ली है, ठीक है। तो अब इसको हम भिगा देंगे। तो ये जो तुक मलंगा है, इसको हम 1 चम्मच पानी में भिगा देंगे। 1 चम्मच लिया है मैंने ये, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इसको हम भिगाने रख देते हैं। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है वो, तो इन्हें हमने भिगा दिया। अब सेवइयों को हम रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं थोड़े से देसी घी में, ठीक है। तो इसे चला चला कर अच्छे से भून लेते हैं इन्हें। तो ये मोटी वाली सेवइयों से ही बनाए हैं इस तरीके की सेवइयाँ। आप पतली वाली भी डाल सकते हैं, मगर इससे बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो इसे चला चला कर हमने इन्हें अच्छे से भून लिया है। तो दूध भी उबलने लगा है उधर, देखिए ये भून चुकी हैं। तो बस गैस को हम बंद कर देते हैं। अब ये सेवइयाँ हम इसमें डाल देते हैं। तो सेवइयाँ डालकर हमें ये पकने देना है, जब तक कि वो गल ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से पकने दें। तो जब वो गल जाएंगी तभी हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। तो ये हमने कुछ बादाम ले लिए हैं, तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। तो नहीं भी डालना चाहते ना, तो तब भी कोई बात नहीं है, ना डालें। तो अभी देख लें हाथ से दबा कर कि ये अच्छे से दब रही हैं, गल गई हैं सेवइयाँ, ठीक है। तो इस तरीके के चाहिए हमें। तो ये अच्छे से गल चुकी हैं, देखिए। तो अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल कर रखा था ना, वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे इसे। तो गैस को हमने जला रखा है, हल्की गैस कर दी है हमने इस टाइम पे। तो इस तरह से डाल डाल कर चला चला कर डालते रहेंगे। तो सारा ही हम इसमें डाल देंगे, जो हमने घोल बनाया है ना, वो सारा डाल देते हैं इसमें। और कस्टर्ड पाउडर डालकर थोड़ी सी देर और पकाना है हमें इसमें।
तो यकीन जानेंगे बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो हमने कस्टर्ड पाउडर सारा ही डाल दिया है इसमें, तो इसे कुछ देर इसी तरह पकने देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये फूल गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं, तो इन्हें अभी हम नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब तब डालेंगे। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम और चीज़ें डालेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसी तरह का हमें चाहिए था, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमने जो तुक मलंगा भिगा कर रखा था वो डालेंगे इसमें, तो ठंडा होने के बाद ही डालें, तो इसका पानी निकाल देंगे हम फिर डालेंगे, ठीक है। तो पानी के साथ नहीं डालेंगे, पानी अलग कर कर फिर इसमें डालेंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फलूदे वगैरह में ये डलती है, ये सेम उसी तरीके का लगेगा जो फलूदा लगता है ना, उसी तरीके का ये खाने में लगेंगी सिवैयें, और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप भी बनाइएगा, आप बना के रख सकते हैं इसे फ्रिज में पहले से, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल आप इसे खा सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तो अब निकाल लेते हैं इन्हें हम। तो इसको आप फलूदा भी बोल सकते हैं, तो आप इसे कस्टर्ड सिवैये भी बोल सकते हैं, तो आप भी इस तरह ज़रूर से बनाइएगा। तो इतनी ही पतली अच्छी लगती है ये, तो इफ्तियारी में ईद पे आप इसे बना सकते हैं, तो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं ये। तो इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी डली हुई हैं, खाने की, बुनाई की, कढ़ाई की। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। तो ये देखें, काफ़ी देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।